अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप सब तो उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, लेकिन जब से मैं ऊपर आया हूँ सुबह से मैं खैर खैरियत से नहीं हूँ, क्योंकि रात को बारिश हुई है काफ़ी तेज़ और उसने मेरा काफ़ी नुकसान कर दिया बर्ड्स की कॉलोनी का, क्योंकि यहाँ पर ब्रीड हो रही थी। आपको जैसा कि रिसेंट वीडियोज़ में पता था कि यहाँ पर ब्रीड रिसेंटली स्टार्ट है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान हुए आज मेरे और अभी कैसे उसको मैनेज करना है सारा। तो आए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डोलियों में तो कमी नज़र आ रही होगी कॉलोनी में, तो ऊपर एक ब्लैक डोली जो मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि लगाऊंगा वो मैंने लगा दी है, और यहाँ पर जो कोने में एक डोली थी एक तोती जिसने अंडे दिए हुए थे वो डोली ऊपर से टूट चुकी है जहाँ से तार बंधी होती है, तो इसमें अंडे रखने से खतरा हो चुका था, तो वो अंडे मैंने इस येलो तोती के नीचे रख दिए और इसने माशाल्लाह सारे अंडे संभाल लिए और बच्चे भी निकले हैं। रात को बारिश हुई है, डोलियों में पानी चला गया काफ़ी और नुकसान काफ़ी हो चुका है। नीचे देखें गंद कितना बन चुका है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, तो अभी इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैंने सब बर्तन जो हैं जो दाना भी गीला हुआ है, डोलियाँ इन डोलियों में फुल पानी चला गया था भर गया था, और ये इनके ढक्कन ये बर्तन सब सुखाने के लिए धूप में रख दिए हैं। अब ये धूप में जितनी देर में सूखते हैं ये सब बर्तन, ये मैं यहाँ पर पहले पत्रियों से सफाई कर दूँगा क्योंकि काफ़ी गंद बना हुआ है, ये मैं पत्रियाँ साथ ले आया हूँ इससे सफाई करूँगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो ये जो दो डोलियाँ गीली हो गई थी वो यहाँ पर दोनों, एक यहाँ लगी थी इस कील पे, एक यहाँ पर कोने में लगी हुई थी, तो अब यहाँ का भी मैनेजमेंट करनी है क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ पर शीट लगानी पड़ेगी ताकि डोलियों में पानी कम जाए। तो शुक्र है बच्चे बच गए हैं जो कॉलोनी में निकल रहे हैं, पहले बच्चे की वीडियो अपलोड की थी तो अभी मज़ीद और बच्चे निकले हैं, तो शुक्र है उनका नुकसान होने से बच गए। नुकसान और फ़ायदा ज़िंदगी का एक हिस्सा है तो इनको मैनेज करना पड़ता है। तो सो गाइज़ यहाँ पर मैंने इनकी सफाई की है, काफ़ी गंद निकला है, यह देखें ये लास्ट वीकेंड पे मैंने सफाई की थी और अभी इतना ज़्यादा गंद निकला है इनका, अभी पूरा पानी नहीं बहाया क्योंकि बारिशें आज भी और नज़र आ रहे हैं बादल के, आज रात भी बरसेगी, अल्लाह पाक खैरियत में रखे इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में, क्योंकि बच्चे भी हैं और बड़ी नाजुक जाने होते हैं, मैंने आपको दिखाई हैं लेकिन माँ उनको प्रोटेक्ट कर लेती है, तो अभी इनके लिए यही दुआ करते हैं, डोलियाँ सेव करके लगाते हैं और इनकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं अपनी तरफ से। सो दोस्तों आज बहुत नुकसान हुआ है और बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं इस नुकसान की वजह से, मुझे नहीं पता था कि रात को बारिश होगी तो इतना नुकसान हो जाएगा। अब ये इस तोती के अंडे जो हैं वो सब डिस्टर्ब हो गए इस ब्लू तोती के, क्योंकि इसकी डोली जो टूटी थी इसी जगह पर लगी थी और वो मैंने उल्टी करके यहाँ पर रख दी है वैसे ही, और यहाँ पर नहीं लगाई है, तो ये अपनी डोली समझ के बार बार अंदर जा रही है लेकिन इसको अपने अंडे नहीं मिल रहे, और अंडों में से आज फिर एक अंडा इसका ही टूटा है, ये देखें उसी नुकसान की वजह से, कल भी दो अंडे आपको मैंने दिखाए थे आज भी एक और टूट गया। अब देखें जिस एवरेज से हमारी उम्मीदें थी कि बच्चे निकलेंगे उस एवरेज से अंडे टूटना शुरू हो गए, बच्चे नहीं निकल रहे, आप माशाल्लाह बोल दिया करें, और बच्चे निकल रहे हैं ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकल रहे, लेकिन उस उम्मीद पर नहीं उतर रही हमारी, ये फर्स्ट ब्रीड काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, इस तोती के भी अंडे ख़राब हो गए और इस तोती के भी अंडे ज़ाया हो गए हैं, बस वो ज़ाया तो नहीं हुए इस डोली के अंदर मैंने रख दी है, अब जल्द अज़ जल्द वो ऊपर वाली डोली में भी ब्रीड शुरू हो जाए और इसमें भी दोबारा, तो फिर क्या पता रौनकें दोबारा लग जाएँ। अब ये डोली मैंने इस कोने में इस तरीके से लगाई है कि इसमें बारिश का पानी ना जाए, मुँह बिल्कुल इस तरफ कर दिए, इस डोली के ऊपर वाली इस डोली में बचे हैं तो वो भी अब महफूज रहे तो ठीक है, और दो डोलियाँ और लानी पड़ेंगी यहाँ पर लगाने के लिए, तो अल्लाह पाक हिफाजत में रखे सेटअप को अपनी, और बिल्कुल अभी इतनी नीट सफाई नहीं की लेकिन गुजारे लाइक सफाई कर दी है मैंने इनकी, क्योंकि अभी बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी है दिन के वक्त और यहाँ पर बारिश का पानी अंदर पिंजरे गया जाता है, तो अभी फिर गंद मिल जाएगा, कल फिर सफाई करनी पड़ेगी, तो जिन दिनों धूप निकलेगी फिर नीट एंड क्लीन सफाई कर देंगे, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जुगाड़ के लिए एक शीट लगानी पड़ेगी ताकि बारिश का पानी डोलियों में ना जाए। तो आज शुक्र है बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, अंडा ही एक नुकसान में आया है जो यहाँ पर मैंने रख दी है, और बाकी जो तीन अंडे थे तोती के वो इस डोली में रख दिए, अंडों की बचत हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था, क्या पता इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी हो। तो हम इसी पर राज़ी हैं और अच्छे के लिए उम्मीद लगा कर बैठे हैं। नेक्स्ट ब्रीड इंशाल्लाह इससे भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो ये जो डोली है जिसमें 6 अंडे थे और एक ख़राब हुआ था, इसमें देखें आप के माशाल्लाह से 4 अंडे हैं और एक बच्चा इधर भी निकल आया जी। एक बच्चा उधर था उस डोली में, एक इधर भी निकल आया। अब उम्मीद है जिन जिन में अंडे ठीक हैं उनमें बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और भी डोलियों में ऊपर अंडे हैं वो भी महफूज हैं और इंशाल्लाह ताला अगले वीक तक उम्मीद है कि सब के बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। सो गैस, हल्की फुल्की बारिश के बाद आप यहाँ हमारे छत से नज़ारा करें सारा। यह हमारा पिंडी बारिश के बाद, हल्की सी बारिश हुई है सिर्फ बूंदा बांदी, लेकिन मैंने फ़ौरन से बर्तन तोतों के अंदर कर दिए थे और अब बर्ड्स दाना खाएंगे मज़े से। सो गैस, पालक लाया हूँ अभी मैं बर्ड्स के लिए, काफ़ी दिनों से पालक नहीं डाली इनको और पालक के ये काफ़ी शौकीन है। और फिर देखते हैं कि काफ़ी दिन से पालक नहीं हमें मिली और दाना खा खा कर भी ये तंग आ जाते हैं, तो अभी इनको पालक डालते हैं कि ये पालक खाएं और आज इंजॉय करें अपना। इतनी पालक बहुत रहेगी इनके लिए, फिर कल और डाल दी जाएगी। अभी इसको ऐसे करके यहाँ पर रख देते हैं, ये पालक डाल दिया, अब ये नीचे आकर मज़े से खाएंगे। अब एक बर्ड को पालक नज़र आ गया, अब वो अपने सब दोस्तों को ऊपर से बुला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब नीचे आ रहे हैं पालक खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इनको पालक मिली है तो पालक बहुत शौक से ये खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बिल्कुल सेट हैं, पहले काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे तो अभी डोलियाँ जो कमी हैं वो भी पूरी करनी है। तो शुक्र है अंडों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा और बच्चों को भी नहीं पहुँचा आज बारिश की वजह से। बारिश ने मौसम तो ठंडा कर ही दिया है लेकिन मेरा भी नुकसान यहाँ पर ये बारिश कर गई है काफ़ी। सो ये देखें गैस, ये फुल इंजॉय करके अपनी पालक को खा रहे हैं और मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं। मादियाँ भी डोलियों से निकल के बाहर आ गई हैं और जब उनको पता चला ये पालक आ गई है और सब नीचे आकर अपनी पालक से इंजॉय कर रही हैं। और जिनके बच्चे हैं वो पहले अपने बच्चों को पालक से फीड करवा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले वो अपने बच्चों का पेट भरती हैं फिर उसके बाद ही दाना अपना खाती हैं। बर्ड्स पालक खा रहे हैं, कुछ बर्ड्स दाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से ये भूखे थे। जब ये डिस्टर्ब हो चुके थे, दाने में पानी चला गया हुआ था तो बर्तन साफ़ किए तो इनको दाना भी डाला है और पालक भी डाली है और अब ये मज़े से खा रहे। अभी तो बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल बने हुए हैं और रात को इम्कान है, और रात को क्या अभी शाम की काफ़ी इम्कान है, काले बादल इस साइड पर आ रहे हैं और ये बरसेंगे। अल्लाह पाक बर्ड्स को इस बार अपने अमान में रखे। इट इज़ द टाइम टू एंड दिस व्लॉग, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करते रहें। मेरा तो नुकसान हो गया थोड़ा बहुत लेकिन आपको दिखाना था, अल्लाह पाक इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अभी अपने भाई आ रहे थी, कोई इजाज़त दें और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और माशाल्लाह की कमेंट्स लाजमी किया करें बर्ड्स को देख कर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।